एक यहूदी आया मौलाए कायनात की बारगाह में और कहने लगा, ए अली, मुझे इस्लाम में दाखिल कर लो। मौला अली ने कहा, ठीक है। कहा एक शब्द का क्या? कहा वो ये है कि मुझे पहले खुदा दिखा दो, खुदा देखूंगा फिर इस्लाम में दाखिल होऊंगा। तो मौला अली से आखिरी किस्सा आप समाप्त कर ले। कहा मुझे पहले खुदा दिखा दो, मैं ईमान ले आऊंगा। तो हजरत अली ने क्या किया, उसके हाथ को पकड़ा यहूदी के एक मैदान में लेके गए। कहाँ लेके गए? कहाँ लेके गए? मैदान में लेके गए। कहा देख आसमान की तरफ। जब उसने आसमान की तरफ देखा, आग को झुंझुना करके कहा, ए अली तुमको हुआ क्या है? कहा मुझे नहीं हुआ, तुझको ही तो हुआ है सब कुछ। कहा ये आप ऊपर दिखा रहे हो मुझको, मैंने खुदा के देखने की बात की और तुम मुझे सूरत दिखा रहे हो, और उसको देख के मेरी आंख की रोशनी चली जाएगी, इतना तेज सूरज। तो मौला अली फरमाते, यहूदी जब तू खुदा के बनाए हुए एक सूरज को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, तो वो खुदा के नूर और तजल्लियात को कैसे देखेगा? वो तो अली है अली। उस वक्त तक सर को सजदे से नहीं उठाते जब तक खुदा की तजल्लियात का मुशायरा नहीं।